नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हुनिदा अहमद। वक्त है फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल जानने का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस प्रदर्शन के दौरान की गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। वी श्रीनिवासन के नेतृत्व में ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अडानी मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, आज यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हल्ला बोल रहे थे। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही थी, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन के दौरान जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, अडानी मुद्दे को लेकर के। और अब आपको बता दें कि कई लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया जा चुका है। तो मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड पर वो खड़े हुए थे। उसके बाद उनको पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। कई और भी कार्यकर्ता ऐसे थे कांग्रेस के, कई और भी नेता ऐसे थे कांग्रेस के, जिन्हें आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो अडानी मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है और अब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो लगातार चर्चा चाहता है इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन बता दें आपको कि जिस तरीके से कल भी उम्मीद थी कि पीएम मोदी शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। लिहाजा कांग्रेस अब एक बार फिर से जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है और अब जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। और तमाम लोग देखिए कैसे बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है, लेकिन इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। एक तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जवाब चाहती है। कल भी कांग्रेस जवाब चाहती थी, लेकिन कल भी पीएम मोदी की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई। और इधर दिल्ली बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। जासूसी मामले को लेकर बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च जो है वो निकाला गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली में बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने जासूसी का आरोप लगाया है और जासूसी मामले को लेकर देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बैरिकेड्स पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता लोग हैं, वो यहाँ पर कूद कर जम करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। तो दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप भी देखने को मिल रहा है। तो जासूसी पर ये पूरी जंग दिल्ली में नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया है कि 2015 में जो आम आदमी पार्टी है वो जासूसी करा रही है। बीजेपी के नेताओं के टेप जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। तो अब ये अहम खबर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो हाथों में कई पोस्टर बैनर्स लिखे हुए हैं। तख्तियों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो नारे हैं वो लिखे हुए हैं। तो जासूसी कांड पर दिल्ली में जंग देखी जा रही है। तो दिल्ली सरकार के ऊपर ये बड़ा आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी नेताओं के जासूसी की, उनके फोन टैप किए। और अब इसी को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो सड़कों पर हैं और अब हर कोई अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो है वो मांग रहा है। जाने के लिए आए आम आदमी पार्टी कह रही है सारे पॉलिटिकल आरोप है। आम आदमी पार्टी तो झूठ की दुकान है, शर्म करो, बोलती है भाग जाती है। अगर 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 ये आरोप झूठे हैं तो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसको झूठा कहें। एफबीजी यूनिट क्यों बनाया उसका कारण बताएं। सीक्रेट सर्विस फंड कहाँ लगा रहे थे उसका कारण बताएं। कल से एक बार तो मुझे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाय 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 हाय
दरअसल ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई जो है वो आर पार की अब नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद में आईटीओ से लेकर सचिवालय तक मार्च जो था वो निकाला गया। और अब ये जो आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये जो प्रदर्शन है वो जासूसी कांड को लेकर के किया गया है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है, बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल जो सरकार है, केजरीवाल की, उनके नेताओं की जासूसी कर रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार बीजेपी नेताओं की जासूसी कर रही है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। ये दूरबीन लगा के जासूसी करने का काम कर रहे हैं। ये फीडबैक यूनिट किस अधिकार से बनाई, असंवैधानिक रूप से कैसे इसका गठन हो गया, ये सीक्रेट सर्विस फंड क्या है, ये 38 लोगों की नियुक्ति कैसे हो गई, ये बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के फीडबैक यूनिट बन गई। और आप केंद्रीय मंत्रियों का, सांसदों का, मीडिया का, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं तुम्हारे, उनका कराओगे आप, बीजेपी के लीडरों की आप जासूसी कराओगे और उसके लिए जनता के पैसे को खराब करोगे। तो जाहिर तौर पर इन्होंने तो घर घर में दूरबीन लगा रखी है, मुझे तो लगता है अपने एमएलओ पे भी लगा रखी होगी, ताकि देख लें कि कौन कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है। तो ऐसे के अंदर सीबीआई जांच करे, मैं उपराज्यपाल को बधाई देना चाहता हूँ। तो बीजेपी का ये बड़ा आरोप कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, इसी को लेकर आज बीजेपी हमलावर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का आपको बता देंगे। एनएसए की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, धन शोधन मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। चित्रा रामकृष्ण को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने एनएसए के कर्मचारियों की कथित जासूसी और फोन टैपिंग को लेकर चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण, जिन्हें पहले सीबीआई ने कथित एनएसए को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार किया था, और वर्तमान मामले को ईडी ने पिछले साल 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान मामले में तो एनएसए की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि धन शोधन मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। और अगली बड़ी खबर बिहार शराब कांड से जुड़ी हुई। बिहार शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार शराब कांड को लेकर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सारण जिले में जहरीली शराब ने कई जानें ली थी, जहरीली शराब पीने से करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। तो बिहार शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बिहार के सारण जिले का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर शराब कांड की वजह से आपको बता दें कि इसकी जांच एसआईटी से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बता दें कि सारण में जहरीली शराब का सेवन करने से करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। तो एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर आज सुनवाई होगी। एसआईटी से जांच कराने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली थी।